पीपल एक्वेरियस, वेलकम टू गुरु महेंद्र टैरो। और ये रीडिंग है आपके दिसंबर के थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द थर्ड वीक ऑफ दिसंबर। Knight of Swords, Six of Swords, Ten of Pentacles, Page of Swords, द डेविल। तो ये एक अजीब सी रीडिंग है। बीच में हमारे पास टेन ऑफ पेंटिकल्स और दोनों साइड स्वॉर्ड्स, सी स्वॉर्ड्स। आप किसी अर्थ साइन या एयर साइन से डील कर रहे हो सकते हैं, हालांकि ये इतना भी जरूरी नहीं है क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है बस। पर ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए अपने चॉइसेस के साथ। एक्वेरियस, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आपको ऐसा कुछ जरूर मिल जाएगा जिसका आप इंतजार कर रहे थे। ओके, ये देख रहे हैं आप नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे लगता है आप किसी पर्सन का इंतजार कर रहे थे, इनके कुछ कहने का, इनके कमिटमेंट देने का, या फिर इनकी तरफ से किसी और चीज के होने का, जैसे कि किसी इशू के सॉल्व होने का या किसी तरीके के अंडरस्टैंडिंग की उम्मीद कर रहे थे आप, तो वो यहां पर हो सकती है। फाइनली आपको वो मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। एक पल के लिए आपको लगेगा कि आपके पास टेन ऑफ पेंटिकल्स है, सब कुछ परफेक्ट है, ये पर्सन भी आपके पास वापस आ गया है। यहां एक फैमिली गैदरिंग भी हो सकती है। ओके, यानी कि हो सकता है कि आप इनकी फैमिली से भी मिलें, या ये हो सकता है आपके यूनियन के बारे में। पर जो भी है, यहाँ पे बहुत सारी खुशियां हैं, आपको जो चाहिए वो आपके पास है। पर अगेन आपको ऐसा लगेगा कि आप पूरी तरह से इस पर्सन को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके लिए ये डिस्कम्फर्ट क्रिएट करने वाला। यहाँ आप द डेविल का कार्ड देख रहे हैं। द डेविल के कार्ड के साथ यहां कोई मौजूद हो सकता है जो अभी भी आपके रिलेशनशिप में इश्यूज क्रिएट कर सकता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकता है। कोई ऐसा पर्सन जिसको आप पसंद नहीं करते, एंड डेविल के तौर पर वो अभी भी यहां मौजूद है। और यहां पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है। यू नो, ये एक कार्ड है जो कि ये दर्शाता है कि डेफिनेटली डेविल इस पॉइंट पर तो पीछे हट चुका है, पर ये कट ऑफ नहीं हुआ। ये चीज आपको एक प्रॉब्लम नजर आ सकती है। ओके, एंड हो सकता है ये चीज आपको डाउट में डाल दे कि आप इस रिलेशनशिप में एक फ्यूचर चाहते भी हैं या नहीं। ये ऐसा ही है जैसे आप जो चाहते थे वो आपको मिल गया, पर आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि ये चीज आखिर कब तक ऐसे ही रहने वाली है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, कब तक टेन ऑफ पेंटिकल्स रहेंगे, और क्या जो भी सॉल्यूशन निकला है आपके इशू का, ये परमानेंट है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी विशेष ग्रांट हो रही है, पर अब आप को ऐसा लग सकता है कि ये चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आप समझ रहे थे। ओके, ये ऐसा जैसे हमें कुछ चाहिए 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 और वो चीज हमें मिल जाए, उसके बाद हमें ऐसा लगे कि ये इतनी भी वैल्यूएबल नहीं है जितना हम सोच रहे थे, या इतनी भी अच्छी नहीं है जितना हमने इसके लिए एफर्ट किया। तो
यहाँ पर ये चीजें हो सकती है और बहुत सारे सॉल्ट्स हैं, तो ये एक इरिटेटिंग सिचुएशन हो सकती है जहां आप समझ नहीं पाएंगे कि आपको क्या करना है. ओके हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी. एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं. इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह. चलिए आगे बढ़ते हैं. Two of Swords. The Star. Ace of Pentacles. The Empress. And Eight of Swords. काफी सारे स्वॉर्ड्स यहाँ पे, बहुत सारा कंफ्यूजन. टू ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ इस पर्सन ने आपको दो राहे पे खड़ा कर दिया है एंड शायद जो कुछ भी इन्होंने सॉल्यूशन निकाला है उससे आप पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं है. ओके हो सकता है कि ये पर्सन आपको कुछ प्रॉमिस करे, कुछ ऐसा कि ये डेविल हमारे लाइफ से परमानेंटली चला जाएगा. और डेविल से मेरा मतलब हमेशा यही नहीं है कि कोई पर्सन हो सकता है आपके बीच, कोई ऑब्स्टेकल किसी और तरीके का भी हो सकता है. इनकी कोई हैबिट जो आपको पसंद नहीं है, एडिक्शन, डेविल का मतलब एक एडिक्शन भी होता है. एंड हो सकता है ये पर्सन आपको प्रॉमिस करे कि अब ये चीजें दोबारा नहीं होंगी, वो चेंज होने को तैयार है, या फिर कोई पर्सन है जो आपके लिए इश्यू क्रिएट कर रहा है तो उसे कट ऑफ करने के लिए तैयार है. पर आपको डिटेल में जाना होगा इस वक्त. ओके क्योंकि द एम्प्रेस यहां पर क्वेरी करती हुई नजर आ रही है. यहां पर एक तरीके से इनके अंदर बहुत सारे डाउट्स है, द एम्प्रेस के अंदर डाउट्स है और एम्प्रेस अपने टेलीस्कोप को उठाकर ये देखना चाहती है कि जो कहा जा रहा है वो सच है या नहीं, जो दिखाई दे रहा है वो सच है या नहीं. और यहां पर एस ऑफ पेंटिकल्स है. एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपकी विशेस जरूर ग्रांट होंगी और आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं. पर अगेन एट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आपको ऐसा जरूर लग सकता है कि ये टेम्प्रोरी है. फिर यहां पर ऑब्स्टेकल्स हो सकते हैं, आपको समझ नहीं आएगा कि आप क्या डिसीजन करें. यहां पे भी आपके आंखों पे ब्लाइंड फोल्ड है, यहां पे भी है. सिचुएशन टफ हो सकती है पर बस ये एक टेम्प्रोरी एनर्जी है, ये चेंज हो जाएगी. और एट ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब होता है ऑब्स्टेकल्स, पर इन ऑब्स्टेकल्स को आप पार कर सकते हैं. ये ऑब्स्टेकल्स आपके लाइफ में हमेशा नहीं रहेंगे और ये आपको करेजस होने को कह रहा है. द स्टार के साथ अपने ड्रीम्स को फॉलो कीजिए. इस वक्त जरूरी है अपने ऊपर फोकस करना बजाय किसी और चीज के. चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है. सर न्यू नोज लाइफ फोर्स एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, सेंशुअल एंड सेक्सुअल पावर्स आर इंक्रीज्ड. ओके तो यहां पर कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे टेम्प्टेड है,
इनके वापस आने का कारण कोई फिजिकल अट्रैक्शन भी हो सकता है। इनफैक्ट टेन ऑफ पेंटिकल्स का मतलब होता है कि सिर्फ एक पर्सन को नहीं, आप इतने अट्रैक्टिव है फिजिकली इस वक्त कि बहुत सारे लोग आप में इंटरेस्ट शो कर सकते हैं, और ये भी एक कारण हो सकता है इस पर्सन के आपको अप्रोच करने का। ये पर्सन रेजिस्ट नहीं कर पा रहा इस फिजिकल अट्रैक्शन को। ओके, तो ये है रीडिंग दिसंबर के थर्ड वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।